हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस तो गाइस आज सुबह का बहुत जल्दी का समय है क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। सुबह समथिंग 5:30 बजे उठ गई थी और 5:30 बजे से उठ के मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ सबसे पहले मैंने लगाई थी मशीन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे थोड़े बहुत कपड़े धुल भी गए थे। और आज संडे है तो संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो गाइज मैंने एक साइड लगा दी थी मशीन सुबह से उठ के कि मैं कपड़े भी धोती जाऊंगी, और दूसरी साइड मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर बनाने लग गई थी खाना। और खाने में सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी सब्जी, और सब्जी बना रही हूँ भिंडी की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाती है। क्योंकि सुबह के सारे काम निपटा के आज मुझे कहीं ख़ास जगह जाना था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं जीरे, और जीरे के साथ डाल दूँगी मैं इसमें प्याज, क्योंकि जो भिंडी की सब्ज़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, फटाफट बन जाती है, टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भिंडी की सब्जी बना ली है, मतलब बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्याज फ्राई हो गई थी तो उसमें मैंने फिर डाल दी भिंडी, और इसी में मैंने हरी मिर्च भी डाल देती हूँ साथ में। हरी मिर्च को मैं पकाना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, मतलब मुझे इस प्रकार से सब्ज़ी अच्छी लगती है, मैं जब भिंडी कट करती हूँ उसी में ही हरी मिर्च कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी है, और एक साइड मैंने दूध भी उबाल लिया है, क्योंकि सुबह से ये जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो जितनी जल्दी निपट जाए तो निपटाते जाना चाहिए। फिर उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं कि दूध बॉईल हो चुका था, तो मैं यहाँ पर भिंडी में डाल रही हूँ नमक और हल्दी मसाले में, बस यही डालूँगी, नॉर्मल वे से बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं करूँगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी थी और इसको थोड़ा सा ढक करके मैं इसको पकाऊँगी, और मसाले वगैरह मैं रख दूँगी अपनी जगह पर, और वहीं की वहीं गाइस मैं लगा लूँगी आटा, क्योंकि सब्जी पकी रही थी तो टाइम जो है वो मेरे पास अभी था ही। और एक साइड आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैं सुबह से मशीन लगा ही आई थी, तो वो भी मैं देखती जा रही थी और यहाँ पर खाना भी बनाती जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी आज सुबह से कहीं जाना था, और साथ में मुझे काम भी निपटाने थे, और बच्चों को भी रेडी करना था, खुद भी रेडी होना था, और सुबह बहुत सारे काम रहते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, और संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही काम रहते हैं, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ के काम करने लग गई थी। और वैसे भी गए हम लोग कहीं पर भी जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे पास में जाएं चाहे दूर जाएं, मतलब घर से बाहर निकलना ही होता है ना लेडीज़ों को, तो अपने सारे काम निपटा के ही निकलती हूँ मैं, क्योंकि फिर लौट के आगे काम करो ना तो वो मेरे से हो नहीं पाता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि बाहर जब घूम घाम के आओ फिर घर पे काम करो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं पहले घर के सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं कहीं जाऊँ ना तो रिलैक्स होके भी जाती हूँ और फिर आके सीधे आराम कर लेती हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड भिंडी पक रही थी और दूसरी साइड मैंने रोटियाँ सेकनी स्टार्ट कर दी थी, और फिर उसके बाद मेरे बस हस्बैंड उठ गए थे सोकर, और मेरे बच्चे सो रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर मशीन संभाल ली थी, मतलब मशीन में जो कपड़े धुले जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि तुम किचन का काम निपटा लो और मैं कपड़े निकाल दूँगा और ड्राई कर दूँगा, तो इसलिए फिर मैं वहाँ उस साइड से फ्री हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है मेरे हस्बैंड की कभी कभी मुझे, कभी कभी क्या मतलब, वो अगर फ्री होते हैं तो मेरी हेल्प कर ही देते हैं, वो सोचते हैं कि अकेली परेशान होगी, इससे अच्छा मैं भी जो उनसे बनता है तो वो करवा देते हैं। गाइस अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड मेरी जो हेल्प है वो करवा लेते हैं, जहाँ तक अगर वो फ्री होते हैं तो करवा लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते हैं, ड्यूटी पर होते हैं तो वो बात एक अलग ही हो जाती है। क्योंकि मेरे घर में एक प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉब्लम ही कह सकते हैं उसको, कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ, तो इस चक्कर में जिसको जैसा काम मिलता है वो कर लेते हैं, ज़्यादातर तो यही रहता है, तो एक आध काम में वो मेरे हेल्प हमेशा ही करवा देते हैं, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे ही होंगे। तो गाइस जैसे ही रोटियां सिक गई थी वैसे ही मैं रोटियों में घी लगा दूंगी, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि गर्मा गर्म रोटियों में घी लगा के ही रखती हूँ, फिर जिसको जैसी खानी होती है वो वैसे उठा के, मतलब मैं ही देती हूँ हमेशा, ऐसा नहीं होता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, और हस्बैंड को भी मैं हमेशा खाना लगा के देती हूँ, हम लोग सब साथ में ही खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर धुलने लग गई थी बर्तन, और किचन अभी मेरी साफ़ नहीं हुई थी, मैंने सोचा था कि पहले मैं बर्तन निपटा लेती हूँ उसके बाद ही मैं किचन साफ़ करूँगी,
तो गाइज मैं यहाँ पर बर्तन धुलने लग गई थी, और सुबह वैसे भी खाने पीने के नाश्ता पानी के बर्तन निकल बहुत ज़्यादा आते हैं, और वैसे अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ था। नाश्ता वगैरह तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बाद ही में करना पसंद करती हूँ नहाने के बाद, तो इसलिए जब मैंने अभी नहाया नहीं था इसलिए मैंने चाय वगैरह कुछ बनाई नहीं थी, और मैंने सोचा जब नहा लूँगी उसके बाद ही मैं चाय वगैरह बनाऊँगी सबके लिए। और अभी बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अभी 7, 7:30 ही बज रहा होगा, और मेरे इतने सारे काम निपट चुके थे क्योंकि मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में, क्योंकि आज हमें जाना था बाहर और बहुत ही स्पेशल जगह जाना था, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर संडे को जाऊँ लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे कपड़े जो भी थे वो मेरे हस्बैंड ने धुल के यहाँ पर रख दिए थे, इनको केवल डालना था, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि आप रख दो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर मेरे बच्चे भी नहा धोकर आ चुके थे, और ये एसबी ही जगह था, अभी छोटा वाला नहीं जगह था, तो एसबी को मेरे हस्बैंड ने वहीं की वहीं नहला दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, किचन साफ़ करने के लिए, मतलब किचन से तो मैं बाहर गई ही नहीं हूँ खैर, तो यहाँ पर फिर मैं करने लग गई थी किचन साफ़। और सबसे पहले मैंने गैस को साफ़ किया, और सारे जो भी स्लिप वगैरह थी उसको मैं गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और वैसे भी जब खाना पीना बन जाता है तो फिर कुछ ऐसे काम रह नहीं जाते हैं, तो मेरा खाना पीना सारा काम हो ही चुका था, अब बस मेरा रह गया था झाड़ू पोछा करने के लिए और नहाने के लिए। तो जैसे ही किचन साफ़ हुई गैस, तो मैंने ऑफ़ कैमरा झाड़ू पोछा लगा लिया था, और मैं यहाँ पर सारे डोरमेट जो मुझे जहाँ डालने हैं वो मैं यहाँ डाल दूँगी, और उसके बाद सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद हम लोग तैयार होके सब की सब निकल आए थे। आज गैस हम लोग बहुत स्पेशल जगह, मैं शुरू से कह रही हूँ, जा रहे थे, बहुत ही स्पेशल जगह, क्या वो मैं बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे थे गैस सत्संग, और संडे को हमेशा सत्संग होती है, और हम थोड़ा सा आधा घंटा लेट हो गए थे क्योंकि सुबह बहुत सारे काम करके आई थी मैं, फिर भी थोड़ा बहुत लेट कभी ना कभी हो ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हूँ और मेरे दोनों बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं, ये हमें छोड़ने के लिए जा रहे थे, और मेरी मम्मी जो है मेरे भाई के साथ निकल गई थी क्योंकि वो भी सत्संग जाती है, वो तो हमेशा ही हर संडे को जाती है, लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि मैं बहुत कम जा पाती हूँ, बच्चे छोटे हैं और फिर संडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो सुबह से ही सत्संग होती है। वैसे तो आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद हैं, अभी 9 नहीं बजा था और मैं यहाँ पहुँच गई थी सत्संग में, आप देख सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से सत्संग कर ली थी और सत्संग ख़त्म हो चुकी थी, अब लेना था यहाँ से प्रसाद। और आज सुबह जल्दी से उठ के और मैंने जो काम किए थे उसका फल मिल गया था, मैं सत्संग में आराम से आ गई थी, पूरी सत्संग मिल गई थी मुझको। और वैसे भी कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैं आज सुबह इतनी जल्दी उठ के सारे काम करके आई थी, तो जाहिर सी बात है कि टाइम ज़रूर मेरा सुबह से लग गया था, लेकिन आज मैंने सत्संग कर ली थी तो कुछ पा ही लिया था। और मुझे सत्संग करना वैसे बहुत पसंद है, शादी से पहले मैं हमेशा जाती थी, और अब मेरा थोड़ा सा बच्चों की वजह से कम हो गया है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हर संडे जाऊं और मैं फिर सत्संग करके प्रसाद वगैरह खा पी के हम लोग चले आए थे घर। और यहाँ पर बच्चा आप देख सकते हैं कि उसको नींद आने लग गई थी और वो तो सो ही गया था ये समझ लो दूध पीते पीते, और मैं भी यहाँ पर बहुत थक गई थी सुबह से लगे लगे कामों में, और
समथिंग मैं दिखा देती हूँ, 12 बज चुका था और मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं पर एंड करूँगी गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।